इस क्वेश्चन में पूरे कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट स्टॉक इन द बिगिनिंग, सेल्स दे रखा है, परचेजेस दे रखा है, स्टॉक एट द एंड दे रखा है, लॉस एंड कॉस्ट दे रखा है। हमेशा प्रॉफिट होता है, कभी कभार लॉस हो गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लॉस माइनस करने के बाद सेल प्राइस आता है। तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, हम बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको अगेन इसको मतलब न्यूट्रलाइज करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को। लॉस में अगर लॉस हो गया तो माइनस होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, अगेन एनालाइज करेंगे। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस लॉस। ये लॉस क्वेश्चन में दे रखा है, लॉस ऑन कॉस्ट 1/6। जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका 1/6 लॉस है। इट कुड बी ऑन सेल्स ऑल्सो, बट क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है नहीं। बोल रहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 1/6 लॉस है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक्स ले लो। दैट इज लाइक दिस, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ये लॉस को अगर हम और खोलेंगे और इक्वलाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 1/6। इम्प्लाइज दैट सेल्स 80,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्स माइनस एक्स बाई सिक्स, लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी एक्स। इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस एक्स बाई सिक्स, दैट इज इक्वल टू, साइड चेंज कर दो, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ए सेल्स 80,000। सेल्स क्वेश्चन में 80,000 दे रखा है, तो एक्स का वैल्यू निकालो, एलसीएम लो, सिक्स एक्स माइनस एक्स बाई सिक्स इज इक्वल टू रुपीज 80,000, दैट इज इक्वल टू 5x बाई 6 इज इक्वल टू 80,000। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 80,000 इंटू 6 बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर दो। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू रुपीज 96,000। x था क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 96,000 आ गया। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 96,000 आ गया तो उसका 1/6 प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट को बिलोंग करता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमें सब कुछ कंपोनेंट मिल गया एक्सेप्ट ओपनिंग स्टॉक। तो इम्प्लाइज दैट कर लो इक्वेशन फॉर्म में, LHS इज इक्वल टू RHS और सॉल्व करो। इम्प्लाइज दैट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 96,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस 60,000 दे रखा है माइनस क्लोजिंग स्टॉक 8,000। इम्प्लाइज दैट स्टॉक इज इक्वल टू 96,000 माइनस 60,000 प्लस 8,000। साइड चेंज करते ही सिंबल उल्टा कर लो। देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 44,000, जो कि आपके किताबों का आंसर भी है और आपके परचेजेस का वैल्यू। तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड फोर का फॉर्मूला यूटिलाइज करके किया, परचेजेस 44,000। देन दिस इज द टोटल आंसर। और अगर मैंने आपको अच्छा पढ़ाया और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसमें इसको इसके थ्रू पढ़ने से आपको समझ में आया अच्छी तरह, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सेल्फिश मत बनिए, इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, वो भी पढ़ सकें जिनको इसका ज़रूरत है। और सब्सक्राइब भी करिए ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बने रहे पढ़ाने में। पढ़ो और पढ़ने दो, एंड कीप ऑन स्टडी।